तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने जो है स्प्लिटूथ म्यूज़िक बल्ब को जो है 18650 बैटरी से चलाया था, तो आज हम इसको रिचार्जेबल बनाने वाले हैं। अगर दोस्तों आपने वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों अगर आप चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं ऐसे ही टेक्निकल वीडियोज़ आपके लिए लाते रहता हूँ, तो आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो इसका डिफ्यूज़र है उसको इस तरीके से स्लाइड कर लेंगे, इसको जो है स्लाइड लॉक होता है तो इसको अलग कर लेंगे। और इसके बाद में देखिए दोस्तों इसका जो पीसीबी है इसको हम निकाल लेंगे, और ये जो पावर सप्लाई का ड्राइवर का जो कनेक्टर यहाँ पर लगा हुआ है उसको हम इस तरीके से इसको अलग कर लेंगे। तो इसका कनेक्शन एक बार हम देख लेंगे। तो देखिए दोस्तों ग्रे कलर का जो वायर है इसके ऊपर नेगेटिव साइन है, और वाइट वायर जो है वो पॉजिटिव साइन है। तो इस वायर को जो है हम निकाल लेने वाले हैं अभी, और इसके जगह जो है हम दूसरे वायर यहाँ पर लगा लेने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों कनेक्शन करते वक्त तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, नहीं तो गलत कनेक्शन होने पर हमारा बोर्ड ख़राब हो सकता है। तो सबसे पहले अभी हम यहाँ पर दो वायर लेंगे, और जो है पॉजिटिव की जगह पर रेड वायर और नेगेटिव की जगह पर हम दूसरा वायर इस प्रकार से सॉल्डर कर लेंगे, ये देखिए दोस्तों। और इसको जो है ड्राइवर को हम इस प्रकार से नीचे लगा लेंगे, और इसके बाद आगे का हम कनेक्शन करते हैं। तो सिंपल अभी यहाँ पे मैंने चार्जिंग के लिए TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल लिया है, तो बीच में यहाँ से बैटरी का कनेक्शन होता है, और यहाँ से जो है हम आउटपुट लेते हैं, और ऊपर साइड पर जो है हम यहाँ पे इनपुट देते हैं। तो हमें जो है इन दो वायर को जो है ऊपर वाले इनपुट साइड पर पॉजिटिव की जगह पर रेड वायर, और बाकी दूसरी वायर यहाँ पर नेगेटिव की जगह पर लगा लेना है इस तरीके से। इसके बाद ऑन ऑफ के लिए यहाँ पर मैंने टॉगल स्विच लिया है। यहाँ पे हम सोल्डरिंग आयरन का यूज़ कर इसको होल गिराएंगे, और इसमें जो है इस स्विच को यहाँ पर इस प्रकार से लगा लेंगे, और इसके बाद में आगे का कनेक्शन करेंगे। तो देखिए दोस्तों अभी जैसा कि मैंने बताया था सेंटर में बैटरी का कनेक्शन होता है, तो वहाँ पर जो है यहाँ पे मैंने इस तरीके से 18650 बैटरी का यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो मोबाइल बैटरी भी अंदर लगा सकते हैं। तो बैटरी का कनेक्शन हो चुका है, तो अभी आउटपुट का हम कनेक्शन लेंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव कनेक्शन होगा, तो एक वायर लेंगे हम यहाँ से पॉजिटिव आउटपुट को, एक वायर से ऑर्डर कर लेंगे इस तरीके से, और इसका जो दूसरा वायर है यहाँ पर हम इस तरीके से स्विच को सॉल्डर कर लेंगे। और जैसा कि दोस्तों हमने वीडियो के स्टार्ट में जो इस तरीके से कनेक्टर जो निकाला था, जैसा कि वाइट वायर जो है पॉजिटिव के साइड पर था, तो वहाँ पर हम इस तरीके से स्विच को लगा लेंगे, और ग्रे वायर जो है नेगेटिव के साइड पर इस तरीके से डायरेक्ट से ऑर्डर कर लेंगे। तो सारे कंपोनेंट्स अभी लग कर तैयार हो चुके हैं, तो अभी हम डबल साइड टेप का यूज़ करेंगे और इसको अच्छी तरीके से चिपका लेंगे। तो डबल साइड टेप इस तरीके से होती है दोस्तों, जो दोनों साइड से चिपकती है। तो अभी सारे जो अंदर के कंपोनेंट्स है वो फिक्स हो चुके हैं, तो जैसे हमने कनेक्शन निकाला था इसको फिर से यहाँ पर लगा लेंगे, ये देखिए दोस्तों इस प्रकार से। और अभी हम इसको स्विच ऑन कर एक बार ऐसे इसका एक बार टेस्टिंग लेंगे। तो दोस्तों ये जो सर्किट है ये 100% वर्क करता है, और घर पर आसानी से आप इसको बना भी सकते हैं। तो अभी हम इसको डिफ्यूज़र लगा लेंगे, और देखिए दोस्तों जैसे हम इसका स्विच ऑन करेंगे तो इसका जो वाइट LED है वो चल जाएगा इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों काफ़ी अच्छे तरीके से प्रॉपर वर्क कर रहा है। अभी मैं इसको जो है इसका जो रिमोट है इससे मैं RGB में इसका कलर भी चेंज कर आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों इसका कलर भी जो है काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो अभी हम मोबाइल से इसको ब्लूटूथ कनेक्ट करेंगे और कोई सॉन्ग इसका प्ले कर देखेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।